Greetings, beloved listeners. Welcome to another episode of Vessels of God podcast. This is your host, Evans Francis, and I believe these videos and this audios that you're listening on different platforms, it's been a great blessing to you. And today, again, we are back with another vessel that God has been using in his vineyard for over 3 decades. Today, we have Pastor Virendra Patil from Mumbai, and we are very glad. I'm very honored to share this platform. And I believe that today's this podcast is going to be a great blessing to you. Praise the Lord, Pastor. Thank you so much ki aapne samay nikala aur aap hamare beech mein aaye. और पास्टर जी, मैं चाहूँगा कि क्या आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में हमें थोड़ा सा बता पाएंगे संक्षेप में? जरूर। मैं हूँ, मेरी एक बीवी है, हमारे 2 बच्चे हैं, और मेरी बीवी का नाम लता है, वो एक नर्स भी है एंड शी इज अ ट्रेन्ड टीचर आल्सो। और मेरी बेटी है एस्टर, वो डॉक्टर भी है और उसने बीएड भी किया है। बताता हूँ आपको बीएड क्यों किया है। और मेरा एक बेटा है, उसका नाम जॉनथन है, वो म्यूजिशियन और साउंड इंजीनियर है। और अभी जितने भी मेरे गाने बनते हैं आगे, लास्ट ईयर ही हमने एक एल्बम रिलीज किया अनुग्रह से ही, तो उसका म्यूजिक और रिकॉर्डिंग और मास्टरिंग सभी मेरे बेटे ने किया है। और ये है मेरा परिवार। हम धारावी में रहते हैं, हम कोलीवाड़ा, कोली है यहाँ के, मुंबई के हैं, नेटिव है, कोली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और या दैट्स व्हाट आई एम। या थैंक यू सो मच पास्टर। तो क्या आप अपनी सेवकाई के बारे में, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं और जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं सोशल मीडिया में, तो आप बता पाएंगे अपनी सेवकाई के बारे में, और क्या कौन से प्लेटफॉर्म्स में आप अवेलेबल हैं ताकि लोग आपसे जुड़ सकें? सेवकाई के विषय में कहूँ तो मैं एक सॉन्ग राइटर हूँ, वर्शिपर। आई एम अ वर्शिपर बेसिकली। आप मुझे सॉन्ग राइटर भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी गीत मैं गाया हूँ और अभी भी है मेरे पास बहुत सारे गीत, वो मैंने प्रभु से पाया है। तो आप मुझे कोई विषय दो और उस विषय पे लिखने को कहो तो आई गो ब्लैंक। मुझे पता नहीं मैं क्या लिखूंगा, और ना ही लिख सकता, वो गिफ्टिंग मेरा नहीं है लिखने का। लेकिन मेरे आराधना के समय में, मेरे जिंदगी के ऊंच नीच में, जब मैं प्रभु की आराधना करता हूँ, उसके उपस्थिति में जाता हूँ, तो मैं बाइबल बहुत पढ़ता हूँ, और करीब दिन में 8 से 10 चैप्टर मेरे मिनिमम होते ही होते हैं। मेरे दिन में 3 प्रहर जो है वो प्रार्थना के होते हैं। मेरा अर्ली मॉर्निंग, मतलब रात में मुझे प्रभु कितने भी बजे उठाए, मैं बैठ जाता हूँ प्रार्थना में, लेकिन 4 o'clock इज़ माई टाइम इन द मॉर्निंग, जहाँ मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठता हूँ। और उस वक्त मैं बाइबल नहीं पढ़ता, बस प्रभु से बातें करते रहता हूँ। फिर सुबह उठने के बाद, मेरा दिनचर्या शुरू होने के बाद मेरा बाइबल रीडिंग होता है, तो वहाँ काफ़ी देर तक मैं बाइबल पढ़ता हूँ। फिर दोपहर में बैठता हूँ तो प्रार्थना और बाइबल होता है, फिर रात को मैं फिर से आराधना में बैठ जाता हूँ। सो दिस इज़ माई प्रैक्टिस एज अ पर्सन। और क्योंकि बाइबल पढ़ता हूँ तो प्रभु बहुत बात करता है, बहुत सारी बातें दिमाग में रह जाती है, और कुछ विषय को लेके मैं प्रभु के पास जाता हूँ जिंदगी में, जो आप जानते हैं कि हर रोज हमारे सामने कुछ ना कुछ नया आता ही है, और उस विषय को लेकर जब प्रभु के पास जाता हूँ तो प्रभु कई बार मुझे एक नया गीत देता है। अभी जरूरी नहीं हर रोज मुझे नया गीत देता है, 6-6 महीने मुझे कोई गीत नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रार्थना आराधना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार मुझे एक दिन में 2-3 गीत एक साथ ऐसे ही आ जाते हैं। सो ये है मिनिस्ट्री। और हमारा चर्च है मुंबई में, वी वर मिशनरीज इन गुजरात। हमारे शादी के बाद 96-94 में हमारी शादी हुई, और 96 में एस्टर पैदा हुई, और 97 में प्रभु ने हमको गुजरात लेके गए आनंद, जहां अमूल डेयरी है। और मुझे पता था कि प्रभु, मैं बम्बई में ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगा,
तो शादी जब तय हुई तो मैंने होने वाली बीवी को कह दिया कि ऐसा मत सोचना कि हम बम्बई में ही रहेंगे, हम प्रभु हमको जहाँ लेके जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग 97 में हम गुजरात गए एज मिशनरी विद नो सपोर्ट, और सिर्फ एक घर था हमारे लिए और वहाँ हम रहे और कोई आमदनी नहीं। यहाँ पे मैं आई वॉज वर्किंग एज अ सेल्स प्रमोशन मैनेजर, सो वी यूज टू प्रमोट प्रोडक्ट्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन द मार्केट, उनका मार्केटिंग करते थे, प्रमोशन करते थे, शॉप टू शॉप बैनर्स, ये वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह बहुत सारा काम किया उसमें, और ट्रेनिंग वगैरह होती थी, सो आई टू ट्रेन पर्सनल फॉर द जॉब फॉर द प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग। तो वो सब छोड़ छाड़ के हम आनंद चले गए और वहाँ हमारे ड्राइंग रूम से हमने शुरू किया, मैं, मेरी बीवी, हमारी बेटी 8 महीने की थी तभी, तो ऐसे जब हम गए वहाँ पे और वहीं से शुरू किया, आराधना कर रहे थे। फिर अभी आमदनी नहीं तो हमने, मेरी बीवी जो है वो बहुत सालों तक तो उसने ट्यूशन्स लेती थी घर पे, अपने छोटे बच्चों को सिखा देती थी ऐसे ही हॉबी करके, कोई फीस वगैरह नहीं लेती थी, आजू बाजू के जो बच्चे थे उनको सिखा देती। तो हमने सोचा क्यों ना हम ट्यूशन शुरू करें जैसे, और हमने ट्यूशंस किया तो काफ़ी बच्चे आए और उनको, लोगों को पता चला कि बम्बई वाले कोई आए हैं, और लुकिंग एट माई इंग्लिश एंड ऑल दैट, सो काफ़ी बच्चे हमारे आए और बहुत सारे लोग संपर्क में आए उसके द्वारा, और हमने उनको सुसमाचार दिया। उसके बाद काफ़ी लोग मसीह में भी आए, और ऐसे करके करते वहाँ चर्च की स्थापना हुई। और फिर एक समय आया जब प्रभु ने हमसे बोला कि मैंने तुम्हारे लिए एक जगह बनाई है, और हम गए उस जगह पे, प्रभु ने मुझे दर्शन में बताया वो जगह कहाँ पे है, और हम गए, हमारा पूरा चर्च सारे लोग गए वहाँ पे और प्रेयर किए, और फिर एक क्या कहते हैं, एक बिल्डर भाई थे वहाँ पे जो हमारे लिए एलिया का कौवा बन के आया, और उन्होंने बताया कि पास्टर जी ऐसा ऐसा मैंने सुना है, तो क्या आप खरीदने में इंटरेस्टेड है? तो बोला हाँ भाई खरीदना है लेकिन पैसे नहीं हमारे पास। तो बोले कोई बात नहीं, आप जब मिलेगा आएगा पैसा तभी आप दे देना। और बाय गॉड्स ग्रेस वो उनका पहला प्रोजेक्ट था, और तो हमने शुरू किया और प्रभु ने हमको थोड़ा 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 करके पैसे दिए, और आज वहाँ हमारा अपना खुद की जमीन है, चर्च बिल्डिंग है, चर्च है। फिर उसके बाद में, अच्छा हम टेलिंग यू अबाउट माई स्टोरी राइट, ये मिनिस्ट्री नो चलेगा। प्रॉब्लम, आप बिल्कुल बिल्कुल और फिर बिल्डिंग वगैरह बनने के बाद प्रभु ने हमसे फिर से बात की कि आपको वापस बम्बई जाना है। तो बोला यार प्रभु मुझे कहीं और कहीं पे भी लेके जा, मैं कश्मीर जाऊंगा, कलकत्ते जाऊंगा, दुनिया भारत के या दुनिया के किसी भी कोने में जाऊंगा, लेकिन मैं मरने के लिए भी बम्बई नहीं जाना चाहता। लेकिन प्रभु की मर्जी ऐसी रही, क्योंकि ये सिर्फ प्रभु मुझसे ही बात नहीं करा था कि हम जिस संस्था से जुड़े हुए थे वहाँ जो बड़े अगुवे हैं उनसे भी बात करा था, प्लस इंटरनेशनली बात करा था, प्रभु के अन्य जो हमारे पहचान के सेवक हैं जो मुझे काफ़ी नज़दीक से जानते हैं उनसे भी प्रभु बात करा। तो हम लोग बातचीत करते करते फिर हम 2009 में वापस बॉम्बे आ गए, और अभी यहाँ पे हमारा चर्च है रेनबो चर्च के नाम से, और धारावी में ही है। प्लस हमने यहाँ पे एक डे केयर सेंटर शुरू किया, हमने देखा यहाँ पे काफ़ी लोग छोटे छोटे फैक्ट्रीज में हाउसमेट्स है, धारावी में बहुत सारी फैक्ट्रीज है, चमड़े की फैक्ट्री है, आप चिवड़ा चकली की बात करो, यानी धारावी में क्या नहीं बनता है, आप किलर जीन्स बोलो, वैन ह्यूसन शर्ट्स बोलो, जो ब्रांडेड कपड़े हैं वो यहाँ बनते हैं, उनकी सिलाई वगैरह सब, और वहां जाके सिर्फ एक स्टिकर लगता है वैन ह्यूसन का या किलर जीन्स का, बाकी बनता सब यहीं पे है, आप हल्दीराम का चूड़ा ले लो या कुछ भी ले लो, सब यहीं पे बनता है, बैग्स बोलो, जैकेट्स बोलो, चमड़े का हर सामान शुरू से एंड तक यहाँ पे बनता है। सो देर आर पीपल, बहुत से भाई बहन जो है वो गरीब है, और जो कि झोपड़ी में रहते हैं, खुद का घर है किसी का, किसी को कोई भाड़े से रहते हैं, बहुत सारे एक्सपैट्स हैं हमारे यहाँ, अलग अलग इंडिया के कोने कोने से आए हुए लोग हैं, खास करके छत्तीसगढ़ है, यूपी बिहार है, उस तरफ से काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रहते हैं और बस दिन भर काम करते हैं, एक छोटे से रूम में उनका एक
बक्सा पड़ा रहता है, जो जाके वहां पे खाना भी यहाँ वहां खा लेते हैं। तो उनके बच्चे जो है वो किसी के साथ भी छोड़ के चले जाते थे। वो तो हमने देखा काफी बार कि उनके साथ जो जो नहीं होना चाहिए वो होता है, और बच्चे ऐसे रोते हैं, गंदे होते हैं, टट्टिकिया होता है, मारते भी है उनको, और गलत काम भी काफी होते हैं। तो हमने सोचा, प्रभु ने एक दिल में बात डाली कि हम उसे डे केयर शुरू करते। तो हमने एडवर्टाइजमेंट किया और काफी बच्चे आए। तो उनके पेरेंट्स ने हमको बोला कि आप सिखाओ। हमने सिखाना शुरू किया, मेरी वाइफ टीचर भी है, तो उसने सिखाना शुरू किया, और ABCD जो भी नर्सरी राइम वगैरह। तो टीचर वहाँ बच्चे बोले कि आप ही नर्सरी प्ले ग्रुप शुरू करो। तो बोला यार कैसे, और हमने तो एक छोटे से रूम में शुरू किया था। तो फिर हमने प्रभु से प्रार्थना की, और वो छोटे रूम वाली जो लेडी थी उसको अच्छा और भाड़ा मिल रहा था, तो उसने बोला प्लीज आप खाली कर दो। तो हमारे पास दूसरी जगह नहीं, और हमने ये काम लिया हाथ में। तो मैं घूम रहा था, बहुत घुमा घुमा, और एक समय आया, मैं प्रभु से बोला, प्रभु कितनी देर कुत्ते जैसा मुझे दौड़ाओगे, क्योंकि कोई जगह अवेलेबल ही नहीं है। और बाय गॉड्स ग्रेस हमारे जो पड़ोसी है उनका एक बहुत बड़ा गाला है, करीब 1200-1500 स्क्वायर फीट का, जहाँ पे एक गारमेंट फैक्ट्री शुरू थी। तो वो 2 महीने से ब्रदर वो खाली थी, और बहुत से लोग बहुत सारे पैसे उनको डिपॉजिट भाड़ा दे के वो लेना चाहते थे, लेकिन वो पता नहीं क्यों, वो बता रहा था कि पता नहीं क्यों मैंने नहीं दिया उनको। और फिर जब मैं गया तो हमारे एजेंट साहब ने बोला ये साहब है। तो बोला वीरेन तू है क्या, तेरे को चाहिए जगह? उसने चाबी का गुच्छा मेरे हाथ में फेंका, बोला जा जो करना है कर ले तेरे को। और फिर हमने वो सब बहुत गंदा था साफ किया, क्लीन किया, और वहां से हमारी शुरुआत हुई। आज हमारा ग्लोरी स्कूल के नाम से स्कूल है, जो गरीब बच्चों के लिए है। हम बहुत कम फीस चार्ज करते हैं, लेकिन बेस्ट एजुकेशन देते हैं। यही पे मैं बताना चाहूँगा कि मेरी बेटी डॉक्टर है, लेकिन इस स्कूल की वजह से उसने BEd भी किया, और अब मैं तो मिनिस्ट्री में हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए स्कूल में था, थोड़ा एडमिन वगैरह, पेरेंट्स से मिलना, बातचीत करना, पेरेंट्स मीटिंग संभालना, हमारा एनुअल फंक्शन वगैरह जो भी है छोटा मोटा काम किया, लेकिन बेटी और मेरी बीवी जो है वो अभी स्कूल संभालती है, और अभी 5th स्टैंडर्ड तक स्कूल है वो। वे स्टिल इन अ रेंटेड प्लेस, और उसी जगह में है, और प्रभु बहुत जल्द हमको अपनी खुद की जगह देने जा रहा है। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट। अमीन तो अमीन। ये है, और मैं ट्रैवल करता हूँ ब्रदर, वर्शिप लीड करता हूँ और प्रीच भी करता हूँ, अलग अलग विषयों पे सिखाता भी हूँ। सो या आई डू दैट। और आप कौन-कौन से प्लेटफॉर्म्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल सोशल है? मीडिया में मैं मेरे जो गाने हैं यूट्यूब पे है, स्पॉटिफाई पे, जो भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म है उस पे आपको मेरे ऑडियो वीडियो गाने मिलेंगे। मैं फेसबुक पे भी हूँ और इंस्टाग्राम पे भी हूँ, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दैट। तो पास्टर, अभी हमने, जैसे आपने बताया कि मैरिज के बाद आप गुजरात गए सेवकाई के लिए, सो हाउ वाज योर जर्नी, लाइक हाउ यू स्टार्टेड, हाउ यू केम टू नो द लॉर्ड? आप परमेश्वर को कैसे जाने, आपने परमेश्वर को अपना जीवन कब, कौन सी एज में दिया, और क्या परिस्थिति थी, मतलब कि दैट लेड यू टू फॉलो जीसस क्राइस्ट? इट्स वे बैक इन 1984, 1984 में जब मैं 10th क्लास में था, और मैं मेरे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, और ऐसे समय में मेरी माँ बहुत बीमार हो गई। नाउ टू टेल यू द बैकग्राउंड, हम कोळी लोग हैं, फिशरमैन हैं मुंबई के। तो हमारे यहाँ हम कैथलिक भी थे, और हम हिंदू धर्म से फॉलो करते हैं, हमारे दादा परदादा के समय से। तो हमारे घर में मंदिर भी, जैसे काफ़ी बड़ा रूम था उनका मंदिर भी, जहाँ जहाँ हम पूजा पाठ करते थे। अलग अलग दिनों में पूजा होती थी हमारे घर में। हमारा पाटिल फैमिली काफ़ी बड़ा है, चाचा 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 के चाचा वगैरह वगैरह सब, ऐसे कजिन्स वगैरह सब मिलके बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। तो ये हमारे कुल का देवी घर था वो, जहाँ पे सभी लोग मिलके अलग अलग दिनों में पूजा वगैरह करते। तो
मेरी माँ जो है बिकॉज वी ऑल्सो फॉलोड हिंदुइज्म, मेरे माँ के शरीर में वो माताएं थी जिसको हम पूजा करते थे, जो अलग अलग दिन पर मैनिफेस्ट करती थी और वो हमसे जैसे भविष्यवाणी जैसे करती है, वैसे बताती है ये हुआ ऐसे किया, इसने कुछ काला जादू किया वगैरह वगैरह, सो ऑल दैट यूज़ टू हैपन। तो 1984 में मेरी माँ बहुत बीमार हुई और बॉम्बे के हिंदुजा हॉस्पिटल जो है वहाँ पे एडमिट थी। मेरे डैड जो थे, अभी नहीं है, 4 साल पहले गुजर गए, वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे और काफ़ी बड़ी पोस्ट पे थे वो। तो मम्मी हॉस्पिटल में 2 महीने करीब थी, तो मम्मी का आना जाना तो रेगुलर था, मतलब साल में 2 महीने तो अस्पताल में जाना आना होता था उसको। तो इस बार तो बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गई और डॉक्टर्स बोल रहे थे कि इस लेडी को शरीर में कुछ नहीं बीमारी, मैं और वो मर रही है, शी इज डाइंग, और वो मरने की वजह हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि वो कोई है ही नहीं वजह। सर से पांव तक ये बिल्कुल सही है, खून सही है, शरीर का हर अंग सही है, इस औरत ने घर जाके अपने बच्चों की परिवार की सेवा करनी चाहिए, लेकिन ये मर रही है, हम नहीं जानते क्यों मर रही है, आप प्लीज इन्हें ले जाइए। और करीब 2 घंटे दिए थे डॉक्टर। तो हमारे मामा का जो घर है वो काफ़ी नज़दीक में था, तो हम वहाँ लेके आए, तो वहाँ हम लोग काफ़ी नाराज़ थे, हम तो रो रहे थे, हम बच्चे थे उस टाइम पे, और मेरे मामा है, मेरे डैडी है, मेरी दादी दादा सब, नाना नानी सब लोग बैठे थे वहाँ पे। और ऐसे में 2 प्रभु की दासियाँ आई, बहनें आई, और वो घर घर जाके लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी, बीमारी के लिए सुसमाचार दे रही थी। तो हमने हमको देखा तो पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो मेरी मामी थी, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि क्या हम आके प्रार्थना कर सकते हैं? तो बोला ज़रूर आइए, क्योंकि हम कैथलिक भी थे तो हम यीशु में विश्वास करते थे। तो वो माएँ आई और घुटनों पे जाके मेरे मम्मी के बेड के बाजू में 1 घंटा उन्होंने लगातार प्रार्थना की। मेरी माँ ने आँखें खोली 1 घंटे, अभी आपको बताऊँ, फिर से याद दिलाओ, 2 घंटे दिए हैं डॉक्टर ने मेरे को 2 घंटे के बाद, और माँ सिर्फ सांस है, उसका कोई पूरी बेहोश है, कोई मूवमेंट नहीं है, पूरा माँ स्किन एंड बोन्स, उसके शरीर में कोई बॉडी में कोई ये ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, पूरा हड्डी और चमड़ी बची है खाली। तो माँ उठी और माँ ने चाय मांगा मेरे मामी के पास। तो मेरे मम्मी का प्रॉब्लम, मम्मी के पेट में कुछ रुकता ही नहीं था, उल्टी या जुलाब हो जाता था उसका, तो इसकी वजह से वो स्लोली यू नो शी वाज डाइंग। तो वो माँ बहनों ने बताया कि इनको चाय दो, चाय मांग ली। तो बोलता है, अरे सिस्टर ये कुछ भी खाएगे पिएगे तो तुरंत उल्टी या जुलाब हो जाता है। बोलते दो, हम यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो माँ ने चाय पिया और लेट गई फिर से, और फिर अगला और 1 घंटा उन्होंने फिर से दुआ प्रार्थना शुरू किया, और फिर से माँ उठी और फिर चाय मांगा, कॉफ़ी मांगी, तो मेरी मामी ने पिलाया और फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो और 2 घंटे बाद मेरी माँ मरी नहीं, तो दैट वॉज काइंड ऑफ अ बिग मिरेकल फॉर अस, कि डॉक्टर बोला 2 घंटे में मर जाएगी, ये तो चाय पी रही है। और फिर उस दिन मेरी माँ नहीं मरी। और उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे ही दिन उनका एक छोटा सा आउटरीच मीटिंग था हमारे घर, मामा के घर के पास में, तो उन्होंने बताया कि आप वहाँ अगर ले सकते हैं, ला सकते तो अच्छा होगा। तो मम्मी को हम वहाँ लेके गए और जैसे स्तुति आराधना शुरू हो गई, मम्मी बिगन टू मैनिफेस्ट और जोर शोर से वो अलग अलग देवी देवताओं के नाम लेके चिल्लाने लग गए। तो जो लोग आए थे वो भी नए थे, तो वो डर के मारे भागने, मतलब यू नो तितर बितर हो रहे थे। तो पास्टर्स वहाँ से आ गए कि हमको बोला कि प्लीज़ आप बुरा मत मानिए कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो लोग भी डर रहे हैं और भाग रहे हैं, तो आप उनको घर ले जाइए, हम आपके घर आके दुआ। तो हम वैसे ही मम्मी को अपने मामा के घर वापस लेके आए। दूसरे दिन सारे जो पास्टर्स अगुए हैं वो हमारे घर आए और वो हमसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, यीशु कौन है, क्या है, मम्मी के बारे में जान रहे हैं। और जैसे हम यीशु की बातें कर रहे थे, वो पास्टर्स बातें कर रहे थे। अब मैं जो है मेरी SSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहा, तो एक मामा के घर लॉफ्ट था, वहाँ मैं बैठ के पढ़ाई कर रहा, लेकिन मेरा थोड़ा बहुत ध्यान पीछे भी क्या हो रहा है। और जैसे यीशु की बातें होने लग गई, तो यीशु मम्मी फिर से मैनिफेस्ट की। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे माँ के शरीर में करीब 7 आत्माएं थी जिनको हम देवी देवताओं के नाम से पूजते थे, और एक एक करके उन सबको
निकाल दिया गया। एक एक दो जन थे जो बोल रहे थे कि जब तक ये औरत नहीं मरती हम इसे नहीं छोड़ेंगे, वी विल किल हर, वी आर हियर टू किल हर। लेकिन यीशु के सामने किसी की नहीं चली और उनको भी दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया गया। आज भी मेरी माँ जिंदा है, आके देख सकते हैं, मेरी माँ को मिल सकते हैं, वो अपनी गवाही देंगे। 4 साल पहले मेरे डैडी गुजर गए और उसी वक्त हम सभी, मैं, मेरे मम्मी डैडी, हम सब ने मसीह को अपना जीवन दे दिया और वहीं से हमारी मसीह जीवन की शुरुआत हुई। तो हमारे घर में बहुत सारे देवी देवताओं के फोटोज और सिम्बल्स और नारियल और नींबू और ये वो सब हमारे घर में हुआ करता था। और फिर पास्टर्स आए एक दिन और उन्होंने सब निकाल दिया, इतनी बड़ी बड़ी 3 बोरियां भर के वो हमारे धारावी की जो खाड़ी है वहाँ फेंक दिया। और तब से हम पूरी तरह से मसीह में, हम पीछे कभी मुड़ के नहीं देखे। हाँ, हम पर थोड़ा लोग गुस्सा थे, हमको बोला मुसलमान हो गए, क्योंकि हमें अभी बाइबल पढ़ना शुरू किया और चर्च जाना शुरू किया, मसीह के गीत गाना शुरू किया, प्रभु की आराधना करना शुरू किया। तो काफ़ी लोग नाराज थे, काफ़ी कुछ बोले हमारे बारे में। इवन सम प्लेसेस वी आर नॉट अलाउड इन देयर होम्स, यू नो। और हमारा गांव है ये धारावी कोलीवाड़ा है, तो कोलीवाड़ा में भी काफ़ी लोग बातचीत करते थे, तो हमारे अपने रिश्तेदार जो करीब थे वो हमारे घर पे आना बंद कर दिए वगैरह। तो वी हैड टू गो थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट टाइम, नॉट डिफिकल्ट, मतलब वी वर ऑस्ट्रसाइज्ड, हमको समाज से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन दैट वॉज जस्ट फॉर अ मोमेंट। एंड इवन हमारे यहाँ कैथलिक चर्च है, वहाँ पे भी अनाउंसमेंट हुई कि इनके घर मत जाना, ये ऐसे हैं वैसे हैं, बट दैट इज ऑल राइट, गॉड इज ब्रॉट एवरीबडी, सबको सच्चाई पता चली है और वो अभी हम अच्छे, सभी अच्छे रिश्ते हो गए। सो ये है मेरा बैकग्राउंड। सो 1984 में मैंने अपना जीवन यीशु को दिया और तब से अब तक मैं मसीह में हूँ, तो करीब 40 साल हो गए। ओके, एक्चुअली मेरे जो सवाल पूछने के पहले ही वो सवाल के आप उत्तर दे रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी हाउ द होली स्पिरिट इज मूविंग थ्रू दिस पॉडकास्ट। एंड तो कुछ कुछ सवाल थे जो आपने मेरे बिना पूछे ही बोल दिया, तो मैंने भी आपको रोका नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू गो विद द फ्लो ऑफ द होली स्पिरिट। तो पास्टर, मेरा एक सवाल है कि वॉट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ वर्शिपर, लाइक आप एक आराधक कब बने, प्रभु में आए, प्रभु को अपनाया, गाना आप लिखना कब स्टार्ट किए, लाइक व्हाट वाज द फर्स्ट सिचुएशन कि जहाँ पे परमेश्वर ने आपको पहला गीत दिया और वो सिचुएशन क्या था? सच बात यह है कि आई लव सिंगिंग बचपन से, तो मैं जो है मोहम्मद रफ़ी के, लता मंगेशकर के, हर कोई सिंगर जो था फिल्म के गीत जैसे वो गाते हैं वैसे गाने की कोशिश करता, मेरी काफ़ी पतली आवाज़ थी लड़कियों जैसी। और मेरी जो मम्मी की माँ है वो रेडियो लगाती थी और बोलती थी अभी गा, और मैं रेडियो के साथ में, उन दिनों में रेडियो पर टीवी वगैरह नहीं था तो मैं गाया करता था। और फिर स्कूल में हम लोग बच्चे थे, फ्री पीरियड में बेंच बजा के पान और गाने गाते थे, अलग अलग हिंदी फिल्म के गीत गाते थे। और ऐसे करते करते एक क्या कहते हैं, सिंगिंग बिकेम माई व्हाटएवर यू कॉल इट, गाना पसंद था मुझे। फिर जब मसीह में आए तो वी वर सेव्ड इन एन इंग्लिश चर्च, लिविंग वर्ड चर्च, उन दिनों में हम लोग खार में मिलते थे। और पास्टर डंकन जो अभी गोवा में है, पास्टर डेविड फर्नांडिस है, पास्टर अरुण है, काफ़ी अच्छे प्रभु के दास हैं ये सब, जिन्होंने मुझे डिसाइपल किया। सो मुझे वर्शिप बहुत पसंद थी यार, आई यूज़ टू एंजॉय वर्शिप लाइक एनीथिंग। और गीत इतने बढ़िया बढ़िया हुआ करते थे उन दिनों के कि आई मीन आई टेल यू, आई स्टिल सिंग द सॉन्ग्स, आई मीन दे आर लाइफ, दे आर गॉड्स वर्ड एंड दे इंस्पायर यू, आपको बहुत उत्तेजित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं प्रभु मसीह में। तो ना दिन ना रात कोई जगह, ना बस में हूँ, ट्रेन में हूँ, मैं कहीं पे जा रहा हूँ, कॉलेज में हूँ, कुछ नहीं, मैं सिर्फ गाते रहता था, आराधना करते रहता था। आई टेल यू, मेरा फर्स्ट डे इन कॉलेज, आई वॉज रिजवी कॉलेज में, मैं 11वीं में एडमिशन लिया, आई वॉज इन सेंट माइकल्स माहिम, और 10वीं के बाद रिजवी कॉलेज में एडमिशन हुआ। और वहाँ पे फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर,
और एक छोटी सी टीचर आई हमारी, मिस हुसैन, मैं कभी नहीं भूलूंगा उनको, इंग्लिश टीचर थी। तो शी केम एंड इंट्रोड्यूस हरसेल्फ कि आई एम मिस हुसैन, आई एम योर क्लास टीचर एंड आई विल टीचिंग इंग्लिश सब्जेक्ट टू यू। और वो बैठ गया और फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर, हम लोग करीब 120-130 बच्चे थे क्लास में, लड़के लड़कियां, काफ़ी बड़ा क्लास है। तो मुझे क्या खुजली हुई पता नहीं, मैं खड़ा हुआ, मैम आई वांट टू से समथिंग, तो मैं खड़ा हुआ जाके बोला प्लीज़। तो मैं प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ा हुआ और मैंने बोल दिया कि माय नेम इज़ वीरेंद्र पाटिल एंड एनीबॉडी वांट्स टू नो अबाउट जीसस क्राइस्ट कम एंड मीट मी, और मैं जाके बैठ गया। अभी हमारे कॉलेज में हमारे चर्च के कुछ भाई थे जो प्रोफेसर थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उनको बात चली और उनको पता चला कि, और उन्होंने बोला ये वीरा नहीं हो सकता और कोई नहीं हो सकता, एंड दे कॉट मी, मुझे बताया क्या हो रहा है, ये ऐसा ऐसा, तो वेरी गुड वेल डन। और ऐसे करके मैंने काफ़ी लड़के लड़कियों को यीशु का सुसमाचार सुनाया चर्च में भी। अभी कोई उद्धार पाया नहीं पाया, अभी पाया पता नहीं, लेकिन मैंने काम अपना शुरू किया। फिर आई वॉज वेरी इवेंजलिस्टिक, तो हमारे यहाँ अलग अलग देशों से, इंग्लैंड से काफ़ी लोग आते थे, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज होती थी, तो इवेंजलिस्ट भी आते थे वहाँ पे। तो यहाँ मुंबई में आके इतनी सारी भीड़ देखे वो ऐसे हक्का बक्का होते थे, हैरान होते थे, पता है इनको सुसमाचार देना है वगैरह वगैरह। अभी उनको हिंदी मराठी तो आती नहीं है, और हम लोग इंग्लिश चर्च के भाग थे, तो बहुत से लोग डरते भी थे कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं बोला मैं जाऊँगा इनके साथ में। तो फिर हम स्टेशन्स पे बोलो, प्लेटफॉर्म्स पे बोलो, किसी स्ट्रीट के कोने में बोलो, और ख़ास करके हमारी फेवरेट जगह थी वो टिकट काउंटर, जहाँ पे लोग लाइन में, लंबी लाइन होती है और कम से कम 5-10 मिनट तो खड़े रहते थे उन दिनों में। तो वहाँ जाके एक गिटार का 2-4 एक गाना गा के हम लोग, तो उनके साथ में वो इंग्लिश में प्रीच करते थे, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता था। तो उसे क्या कहते हैं, मुझे एक बल मिला, एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी कर सकता हूँ। तो हम जो चर्च के एक भाई, 2-4 भाई मिलकर, हम लोग ऐसे कॉलेज में थे, बहुत सारा टाइम था कॉलेज के बाद में, तो हम लोग ट्रेन में माहिम स्टेशन पे, उसके जो टिकट काउंटर है बांद्रा स्टेशन का टिकट काउंटर, सो वी टारगेट द टिकट काउंटर स्पेशली बिकॉज काफ़ी लोग वहाँ होते थे, टिकट लेते और काफ़ी देर होती थी वहाँ पे। फिर हम लोग बांद्रा में से चर्च गेट के लिए जो ट्रेन छूटती थी उसमें चढ़ते थे, और वहाँ से हर बोगी में प्लेटफॉर्म, जैसे स्टेशन आता था हम लोग बोगी चेंज करके गाना गाए हैं और ट्रैक्स बांटे हैं। तो ऐसे कर करके ये मेरा फैशन रहा है, आज भी करता हूँ मैं। आज भी हमारे यहाँ मेरे घर के सामने एक चैपल है, वहाँ पे क्रॉस है, तो वहाँ मैं अपने चर्च को लेके जाता हूँ, साउंड लगाता हूँ और ओपन एयर प्रीचिंग करता हूँ, और हम सब ट्रैक्स बांटते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, विश्वास भी किए हैं, चंगाई भी पाए हैं, तो दिस इज़ माई पैशन। तो इंग्लिश चर्च में आई सू लव वर्शिप। तो ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ कैथलिक चर्च में जिस ग्रुप में मैं था, वहाँ पे वो लीजन ऑफ मैरी करके एक ग्रुप हुआ करता है, जो मैरी की प्रार्थना करके वो गरीबों में जाते हैं, हॉस्पिटल विजिट करते हैं वगैरह वगैरह जो। तो ये जो ग्रुप था वो एक दिन मेरे घर पे आए और वो बोला कि हम लोग एक लड़की के लिए प्रेयर करें, और क्या हमने सुना है कि आप प्रार्थना करते हो, लोग ठीक होते हैं, तो आप आएंगे आप हमारे साथ। तो मैं उनके साथ जाना शुरू किया, कॉलेज के दिन थे तो काफ़ी टाइम था मेरे पास। तो एक दिन मैंने पूछा कि आप बाइबल स्टडी करना चाहेंगे, तो बोला हाँ करेंगे। तो करीब वो 6-7 जन थे लड़के लड़कियाँ मिलके, तो उनका मैं हर आफ्टरनून करीब 4 बजे मेरे घर पे हम लोग बाइबल स्टडी करते थे, और ऐसे करते करते उनका विश्वास बढ़ने लग गया। और एक दिन आया बैप्टिज्म लिए, फिर हमारा छोटा सा यहाँ पे एक ग्रुप बन गया। फिर उन दिनों में लिविंग वर्ड चर्च में काफ़ी हिंदी मराठी बोलने वाले लोग आना शुरू किए थे, तो हमारा एक अलग से ग्रुप बना वहाँ पे। और फिर स्वामी ये ग्रुप में गाए क्या, तो मराठी में बाइबल स्टडी था, तो मराठी बाइबल खरीदा मैंने, और मैंने शाम से, और उन दिनों में मैं थोड़ा बहुत गिटार बजाना भी मेरे दोस्तों से सीख रहा था चर्च में। तो ऐसे करते करते मराठी में गीत शुरू किया, गाना शुरू किया, लिखना शुरू किया, सेम मतलब एग्जैक्ट जो शाम के जो वर्ड्स हैं उसको म्यूजिक दिया सिर्फ, बाकी कुछ नहीं, GCD।
जैसे लोगों का LLB MBBS होता है, मेरा वीरेंद्र पाटिल इज GCD। और ऐसे करते करते मैंने काफी देर आराधना, जैसे गिटार बजाया, आराधना करता था, घंटों आराधना करता था मैं, बिकॉज आई शुड लव सिंगिंग वर्शिपिंग गॉड। और फिर धीरे धीरे करके मराठी में काफी गीत लिखे हैं मैंने, और मराठी से शुरू किया, फिर हिंदी में प्रभु ने गीत देना शुरू किया। आई थिंक मेरा पहला गीत यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, ये शायद आई थिंक मेरा पहला हिंदी गीत है। एंड व्हाट वाज द सिचुएशन जब आपने वो लिखा, लाइक जस्ट वर्शिप के दौरान वो गीत मिला या? नहीं था, बस वर्शिप कर रहा था और प्रभु ने ये शब्द दिए, तुझ में मिली हम। आई कैन सिंग इट फॉर यू इफ यू लाइक। या श्योर, नो प्रॉब्लम, आई हैव माय गिटार रेडी। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। ब्यूटीफुल, आमेन। सो जी, जब ऐसे प्रभु ने काफी गीत दिए हैं, हम खास करके जब हम गुजरात गए वहां पे हम लोग थे, और काफी डिफिकल्ट रहा हमारे लिए वहां पे, क्योंकि आई वाज वर्किंग हियर यहां पे बॉम्बे में, और जब हम गए वहां पे तो कोई जॉब नहीं, कोई आमदनी नहीं, और जिस चर्च के थ्रू हम गए थे वो कोई सपोर्ट नहीं, नो घर का भाड़ा, नो लाइट का बिल, नो टेलीफोन, नो पेट्रोल, नथिंग। और हम बस विश्वास से गए, हमको प्रभु ने बोला जाना है और हम गए, मैं, मेरी बीवी, हमारी बेटी एस्तर, और हमारे घर वाले भी बोलो पागल हो गए हो, खुद मरोगे, बच्ची को भी मार डालोगे, बोला मरना है तो वहां जाके मरेंगे, यहाँ नहीं मरेंगे। तो लेकिन प्रभु ने हमको नहीं मारा, हम जिंदा है। आमेन। और जी, वहाँ गुजरात में अलग अलग परिस्थितियों से गुजरे, और अलग अलग परिस्थितियों में मेरे जीवन का मकसद मैंने वहीं पे लिखा, जो एक बार मैं दिल्ली में था उन दिनों में, और वहाँ मीटिंग के बाद एक भाई आए, वो बोले आप ये ऐसा कैसे बोल सकते हो, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कार, मैं जीऊँ या मरूँ वो तेरे लिए, ऐसा कैसे बोल सकते। बोले भाई, जो परिस्थिति से मैं गुजरा हूँ और जो मैंने प्रभु का देखा है, और प्रभु को देखा है, प्रभु का अनुभव किया है, मैं बड़े धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ ये बोल सकता हूँ कि मैं जीऊँ या मरूँ मैं वो तेरे लिए। So, एक गीत प्रभु ने मुझे दिया, ये जीवन है, इस जीवन में प्यार है, शांति है, आनंद है, बलिदान है, लेकिन जीवन का मुकुट भी है। तो जी, हम जिस जगह पे रह रहे थे वहां गुजरात में, तो प्रभु ने कहा कि आपका एरिया चेंज करो, और प्रभु ने मुझे दर्शन में, स्वप्न में दिखाया वो जगह कहाँ है। तो मैं मेरे अपना स्कूटर लिया और निकल पड़ा, घूमा गुजरात, वहाँ आनंद शहर में, और एक जगह पहुंचा, बोला हाँ यही बिल्डिंग प्रभु ने मुझे बताया। तो फिर मैं गया वहां पे, तो कोई रूम खाली नहीं था, लेकिन एक ग्राउंड फ्लोर पे बड़ा सा रूम खाली था। तो वो चौकीदार से पूछा, तो फोन पे बात हुई और हमने वो रूम रेंट पे लिया। नाउ द उन दिनों में उस रूम का रेंट करीब 3,000 रुपये था, एंड एज आई सेड हमारा कोई आमदनी नहीं, वी हैड नो
लेकिन प्रभु के अनुग्रह से मैं उन दिनों में मेरे एल्बम एक दो एल्बम्स रिलीज हुए थे, तो मैं लोग मुझे वर्शिप के लिए प्रचार के लिए मीटिंग्स में बुलाते थे तो मैं जाया करता था। तो ऐसे करके और वो जो घर मालिक थे बहुत अच्छे थे, बोले जब भी आपके पास पैसा है मुझे आप फोन करो, आप मैं आ जाऊंगा। तो 4 महीने हो गए हमारे पास भाड़े के पैसे नहीं थे, और अचानक से एक प्रोग्राम में मुझे बुलाया और वहाँ जो दान में आया हम वो लिए और प्रभु को बोले प्रभु धन्यवाद। और हमारे पास 12,000 रुपये थे 4 महीने का भाड़ा देने के लिए, प्रभु को धन्यवाद। हम रो नहीं रहे थे कि अरे यार 12,000 रुपये जाएगा, और 12,000 हमारे लिए काफ़ी था उस टाइम। सो एनी वे वी कॉल्ड हिम, वी गेव हिम दैट मनी विथ थैंक्ड हिम, एंड मैं गया मेरे बेडरूम में। और मेरी आदत है ये कि कुछ आया, कुछ स्ट्रेस हो रहा दिमाग में कुछ, तो मैं सीधा गिटार उठा के अपना बेडरूम में जाता हूँ और आराधना करता हूँ। और प्रभु ने ये मुझे गीत दिया, ये जीवन है, इस जीवन में प्यार है, आनंद है, शांति है, बलिदान है, और अंत में जीवन का मुकुट भी है। तो ऐसे काफी गीत है जो प्रभु ने मुझे दिए हैं, जो अलग अलग परिस्थितियों से गुजरा। ओके तो पास्टर, आज आप एक पासबान हैं, आराधक हैं, साथ में एक पति भी हैं और एक पिता भी हैं, तो आप जिम्मेदारियों को कैसा संतुलन बनाते हैं अपने जीवन में? फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे पास परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं, और मैं पूरी तरह से प्रभु परमेश्वर पर निर्भर हूँ। एक पति का रोल अदा करने के लिए और डैडी का रोल अदा करने के लिए, एक पास्टर का रोल अदा करने के लिए, मैं और मेरे बीवी में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, और हमने डे वन से तय किया है कि प्रभु के लिए कुछ भी कहीं भी। और मैं सच कहता हूँ कि हम अपने विषय में बहुत कम बात करते हैं, अरे हमको ये चाहिए, अरे वो है, ऐसा है, वैसा है। हम प्रभु के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, देर रात तक बात करते हैं, और हमारे बीच में एक अलग अंडरस्टैंडिंग है जहाँ यू नो आई डोंट वेट फॉर माई वाइफ टू कम होम एंड कुक। मैं घर पे खाना सूप बना लेता हूँ, रोटी के अलावा मैं सब बनाता हूँ। आप मच्छी बोलो, चिकन बोलो, दाल चावल बोलो, मुगलाई बोलो, चाइनीज बोलो, सब बनाता हूँ रोटी के अलावा। और घर में कुछ नहीं है तो मुझे पता चलता कि फ्रिज में ये नहीं है, बास्केट में प्याज नहीं है, आटा नहीं है वगैरह। सो आई कीप अ टैब ऑफ ऑल दैट, सो आई बीइंग अ गुड हस्बैंड कि सब बीवी के सर पे नहीं है, क्योंकि वो काम भी करती है। और सो वी वर्क टुगेदर, वी कॉम्प्लीमेंट वन अनदर, और इसमें कोई मुझे छोटापन महसूस नहीं होता है। कोई सोचता है कि अरे ये तो बीवी का गुलाम है, बोला नहीं, आई लव माई वाइफ। एंड यीशु ने कहा है जो अपनी बीवी से प्यार करता है वो अपने आप से प्यार करता है, है ना? यस, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल इक्वेशन पास्टर जी, कोई बड़ी डीप थियोलॉजी नहीं है इसमें जी। अगर सच में प्यार करते हो तो प्यार का सबूत भी देते हैं, तो ये मेरा सबूत है। और बच्चों को भी विषय में, बच्चों को मैंने बचपन से ही प्रभु में बढ़ाया है, मतलब आप प्रार्थना बोलो, उनका क्वाइट टाइम बोलो, उनका बाइबल रीडिंग बोलो, अगर उनको चाहिए तो, अगर मेरे पास है भी तो मैंने बोला कि आप प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो। आप जैसे मुझसे मांग रहे हो, मुझसे अपेक्षा कर रहे हो, तो आप प्रभु से भी अपेक्षा करो, प्रभु से प्रार्थना करो, विश्वास करो, प्रभु देगा। प्रभु प्रार्थना करो, कोई डैडी के पास पैसे आ जाए या कुछ हो और आपको वो चीज़ मिलेगी, और प्रभु मैं देना चाहता हूँ और प्रभु भी देना चाहते हैं, लेकिन आप दुआ करो। तो ऐसे करके प्रभु में मैंने बच्चों को प्रभु के नज़दीक बढ़ाया है, उनको शिक्षा दी है। आज मैं सोचता हूँ कि अभी बच्चों को ये करना है, वो करना है। मेरे बच्चे कहते हैं कि डैडी आपने हमको मसीह दिया है और अच्छी पढ़ाई लिखाई दिया, बस बाकी हो गया, अभी अभी हम देख, अभी अपना आगे का देख लेंगे। सो ये है मेरा परिवार के विषय। पास्टर,
आपका जो समय है वो बहुत कीमती है और हमेशा मोस्टली आप व्यस्त भी रहते हैं, तो इन सब के बीच में आप फैमिली को समय कैसे देते हैं? लाइक यू नो मीटिंग्स भी है, चर्च भी देखना है, लेकिन एक फैमिली टाइम, नॉट डेली बट आप कैसे अपने लाइफ को स्पेंड करते, ईयरली अगर हम सोचे तो, लाइक हाउ यू प्लान कि मेरे को परिवार के साथ कहीं बाहर जाना है, या लाइक यू नो दैट्स बीन अ ट्रेडिशन कि ये टाइम हमारा परिवार का है, बिकॉज फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट. Tell you a fact, we've not been on a holiday as a family for a long time. मतलब आप बोलो लोनावला जाना है, खंडाला जाना है, गोवा जाना है, केरला जाना है, ऐसे हम लोग बहुत साल पहले गए थे. लेकिन हमारा जो फैमिली टाइम है वो घर पे ही होता है ज़्यादातर, और हम जस्ट बैठ जाते हैं साथ में और अलग अलग विषयों को लेके बात करते हैं, मस्ती मजाक होती है, बेटे का क्या हो रहा है, बेटी का क्या हो रहा है. एंड हमारे बीच में बहुत ओपननेस है ब्रदर, खुलापन है, मतलब कुछ भी छुपा नहीं है. यानी मेरा बेटा जाके माँ के साथ बैठेगा और माँ को अपने दिल की सारी बात बताएगा, कुछ छुपा नहीं है. मेरे को भी, मैं हाँ मेरे को वाइफ बताती है कि अरे जोनाथन का जरा देख लेना, तो मैं जाके पूछूंगा, उसके बेडरूम में जाके बैठूंगा साथ में, फिर वो खुले बिंदास बताएगा. बेटी के बारे में भी है, बेटी आके, बेटी मेरे ज़्यादा करीब है माँ से, और बेटा जो है माँ के, लेकिन हम लोग चारों जन एक दूसरे के करीब है और हम लोग पर्सनल टाइम एक दूसरे के साथ काफ़ी बिताते हैं. और वी डोंट थिंक कभी अरे 12 बज गया, अभी अरे 1 बज गया, तो दैट्स नॉट द मैटर. हम लोग जब कॉन्वर्सेशन करते हैं कोई भी विषय को लेके, हम लोग बहुत ओपनली बात करते हैं. फिर उसमें चाय नाश्ता भी होता है, या कुछ बाहर से मंगा लेते हैं, चलो आज मंगाते हैं, खाते हैं, वगैरह वगैरह. वी गो टू रेस्टोरेंट समटाइम, तो ऐसे चलते रहता है हमारा. आजकल जो नए नौजवान पासवान बन रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा कि वो किस तरह सेवकाई और यू नो फैमिली को कैसे बैलेंस करके चले? अनफॉर्चुनेटली जो जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, इज दैट काफ़ी जो आजकल पासवान बन रहे हैं वो दुनिया में असफल रहे हैं, काम धंधा बोलो, नौकरी बोलो, पढ़ाई बोलो, और फिर किसी के साथ जुड़ गए हैं, कोई मिनिस्ट्री के साथ में, और फिर यहाँ वहाँ दो चार परिवार मिल गए और वो पासवान बन जाते हैं. तो आप उनको उनकी पढ़ाई लिखाई के, या इवन यू नो नॉर्मल एजुकेशन, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन किया है, बाइबल कॉलेज गए हैं, यू नो वो बहुत कम दिखाई दे रहा है. मतलब मैं धारावी में रहता हूँ, तो आई एम द प्रेजिडेंट ऑफ द धारावी माटुंगा पास्टर्स फेलोशिप यहाँ, और मैंने काफ़ी देखा है, ये अनुभव किया कि अनपढ़ पास्टर बहुत है, कुछ भी बकवास करते हैं, एंड दे टॉक अ लॉट ऑफ चमत्कार, ब्लेसिंग एंड ब्रेक थ्रू एंड दिस एंड दैट, बट रियल मीट जो है बाइबल का, जो डॉक्ट्रिन है, वो बहुत कम बात होती है. तो वो मुश्किल है. दूसरा है हमारा जो, मैं जिस परिवार से आता हूँ वहाँ वैल्यूज थे, जिसको बिब्लिकल वैल्यूज हम बोलते हैं, वो हमारे अंदर एक तरह से बोलते हैं ना, जैसे हम मटन मच्छी में मसाला नमक भरते हैं ना, वैसा हमारे अंदर भरा जी गया है. एंड हमने, हमारे जो अगुवे थे उनको, उनके लाइफस्टाइल को, उनके पति पत्नी के रिश्तों को, उनके बच्चों के जैसे उन लोग बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो देखा है लाइव फर्स्ट हैंड. मतलब हमारे पास्टर जो थे वो, उनका घर का दरवाजा कभी बंद नहीं था. वी कुड गो इन एनी टाइम, वी कुड सिट विद देम, टॉक विद देम. यस ऑफकोर्स उनके प्राइवेट टाइम्स हुआ करते थे, बट वी न्यू पासेस अवेलेबल, तो हम जाते थे, मिलते थे, बैठते थे, उनका कुछ काम है तो वो काम कर रहे थे, तो हम बहुत करीब हमारे पासेस के चले. और हमको पासेस ने जहाँ हम गलती किए तो हमको ताड़ना देना, सुधारना, और बहुत गंभीरता से, यू नो बहुत गंभीरता से मसीह में. आई टेल यू, एक समय था जब मैं बाइबल कॉल, हमारे संस्था का बाइबल कॉलेज था गोवा में, वहाँ पे
और वहाँ पे कुछ हुआ और हमारे जो पास्टर थे उन्होंने मुझे बैठ के समझाया, और मैं मेरे अंदर की गंदगी को देख के इतना स्ट्रेस्ड आउट हो गया, इतना डर गया कि मैं ब्लड पॉटी में निकलने लगा। इतना मेरा वो आई लॉस्ट सो मेनी केजीज, आई वाज अ स्ट्रांग बॉय, कई किलो मेरे घट गए और मैं काफी बीमार लगने लग गया, इतना इतना स्ट्रेस आउट हो गया था। बट दैट मेड मी अ मैन, दैट मेड मी कम टू टर्म्स विद माय ओन सेल्फ कि मुझ में क्या है, और किसी ने हिम्मत की बताने के लिए, तो ये आज बहुत कम होता है। आज कुछ मे बी लास्ट मंथ आई वेंट, मैंने मुझ में थोड़ी कमियां हैं, तो मैं बोला किससे बात करूं, क्या करूं, तो मैं एक हमारे मेरे दोस्त हैं उनसे जाके मिला, बात किया, तो बोलता यार तू बहुत अपने ये इन सब बातों को बहुत सीरियसली लेता है। तो बोला भाई ये सीरियस ही बातें हैं, ये सीरियस बातें हैं, ये जिंदगी और मौत, नर्क और स्वर्ग की बात है यार, एंड आई वॉन्ट यू टू लिसन टू मी, एंड आई वॉन्ट यू टू प्रे फॉर मी, एंड आई वॉन्ट यू टू कीप अ टैब ऑन मी, कि मुझे पूछो कि बाबा ये तुमने बताया था इसके विषय में तुमने क्या किया। सो अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो कहते हैं, तो वो बहुत कम है भाई। मतलब आज हर कोई अपना अपना बॉस है और मन मर्जी करते हैं। आई टेल यू, आई मीन चर्च का हमारा, हम भी करीब 2 घंटे पौने 2 घंटे हमारा भी चर्च चलता है, वर्शिप होता है, प्रीचिंग होता है, फिर बाद में फेलोशिप होता है, लेकिन चर्च टाइम में हमारा 2.5-2 घंटे मैक्स, और उसके बाद फेलोशिप होती है, लोग चाय नाश्ता करते हैं, फिर वो रुकना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, या बस मजाक मस्ती, यूथ मीटिंग हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, दैट इज ऑल फाइन, बट चर्च मीटिंग। लेकिन हम, मैंने देखा है कि 9 बजे का चर्च है, आस्टर इज नॉट देयर, और जो वर्शिपर्स जिनको बोलते हैं वो गा रहे गा रहे गा रहे पास्टर को, पास्टर आता है 11 बजे, फिर वो आके फिर से आराधना करवाएगा, लोगों को उठा बिठाएगा, फिर बाद में आके 1.5-2 घंटे प्रीच करेगा। आई मीन आप कर क्या रहे हो यार? तो एक ये एक दुख होता है कि आप लोगों को क्या समझते हो, और सामने वाले लोग बेवकूफ है क्या? एंड यू डोंट ट्रीट पीपल लाइक दैट, यू डोंट ट्रीट पीपल लाइक दैट, नो अकाउंटेबिलिटी एज फार एज देयर ओन लाइव्स आर कंसर्न। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट मैनी अराउंड, और वो बहुत दुखद बात है, और वो अपने आप से खेल रहे हैं, लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं है उनको, बिब्लिकल नॉलेज बोलो, डॉक्ट्रिन बोलो, थियोलॉजी बोलो, कुछ बहुत कम पता है, वो यहाँ वहाँ से पता नहीं, वो मैसेज भी क्या देते हैं पता नहीं, कभी प्रिपेयर करते हैं क्या, आई डोंट नो, आई मीन इट्स अ बिग जोक, और फिर भी लोग प्रभु उद्धार कर रहा है, उनके साथ जुड़ रहे हैं, और पैसे के बारे में बोलो, वेरी सैड। सो पास्टर्स जो बनना चाहते हैं, भाइयों बहनों, बुलाहट है क्या पहले सोचो कि प्रभु ने आपको सच में बुलाया है, या बिकॉज यू नो सोने की दुकान के बाजू में ही सोने की दुकान, फिर सोने की दुकान, तो पूरा वो सोना मार्केट बन जाता है, तो वैसे नहीं होता है मसीह में। आपको बुलाहट है क्या, बुलाया है, और फिर बुलाहट की क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हो, बिकॉज देयर इज अ प्राइस टू पे, यू नो एवरी मैन ऑफ गॉड इन द बाइबल, जब प्रभु ने उनको बुलाया उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा, यीशु ने बोला मेरे पीछे आ जाओ, अपना सब कुछ छोड़ के वो यीशु के पीछे चल दिए। आर यू विलिंग टू डू दैट? जी, ऑल दैट इज देयर। फिर क्वाइट अ सैड स्टोरी, बहुत कम है जो ईमानदार है अपने आप से और प्रभु से। मैंने एक बात बोली थी, मैंने एक पोस्टर भी बनाया कि खुद के साथ और प्रभु के साथ ईमानदार हो, और जो आदमी खुद के साथ ईमानदार नहीं है वो प्रभु के साथ ईमानदार नहीं रह सकता, ना लोगों के साथ ईमानदार रह सकता। इफ यू आर डिसीविंग योर ओन सेल्फ तो बात तो खत्म हो गई भाई, प्रभु के पास बात तो रहती नहीं वहां जाने की, और लोगों की तो बात, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं। फिर तो दैट्स अ सैड स्टोरी। अभी फिलहाल
मेरा मैंने बैचलर ऑफ थियोलॉजी किया है 1992 में, और उसके बाद मुझे ऑनररी डॉक्टर डिग्री भी मिला है, और अभी मैं एमडिव कर रहा हूँ यूबीएस जो पुणे में यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी है जी, उसके थ्रू मैं एमडिव कर रहा हूँ, जो 4 साल का कोर्स होता है। तो मैं काफी देर पढ़ाई करता हूँ, होल लॉट्स ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स विच आर रेगुलरली रीड, और अपने आप को प्रभु के वचनों में मजबूत तगड़ा बनाता हूँ। पास्टर, डू यू थिंक कि पहले के टाइम में और आज के टाइम के लिए टाइम में आज के नौजवानों के लिए बहुत आसान है सेवकाई में उतरना, लाइक इन द डेज ऑफ 80s एंड 90s? डू यू थिंक दैट सोशल मीडिया है? आज क्या है दादा, ब्रदर इवांसिस, सोशल मीडिया इतना तगड़ा है, और आज प्रभु के अनुग्रह से मैंने 9 एल्बम्स रिलीज किए हैं और यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज के बच्चे कुछ भी लिखते हैं, आई एम सॉरी टू से दैट, ऑफकोर्स उनका कोई अनुभव रहा होगा जो भी लिखा है, और फिर उसका एक म्यूजिक एल्बम बना के, एक वीडियो बना के अपलोड करते हैं, और इतने मिलियन हिट्स और उतना ये हो गया, और वो फिर वर्शिप लीडर्स बन जाते हैं, और फिर हो जाते हैं कहीं पे भी लोग, किसी को पसंद आता है वो वहाँ जाते हैं, और फिर एक गाना थोड़ी गाएंगे आप, वहाँ जाके आप पूरे अटक जाते हो। सो ये आप गीत देखो, आप कुछ गीत सुनो, मैं सुनता हूँ यूट्यूब पे, और 2 लाइन सुन के मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि इट जस्ट डज नॉट, वहाँ आत्मा ही नहीं है, एंड आई एम अ मैन ऑफ स्पिरिट, आई एम अ मैन ऑफ द वर्ड, और मुझे पता चलता है ये कहाँ से आया, और छोड़ देता हूँ। हाँ, प्रभु के अनुग्रह से मुझे एक और बात की खुशी है कि लेटली जो है वो काफी अच्छे अच्छे गीत प्रभु के दासों ने गाए हैं, लिखे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गीत आए हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ कचरा है, लेकिन कुछ अच्छा भी कंटेंट है जो बिब्लिकल है, जो स्पिरिट फिल्ड, स्पिरिट लेड है। आई एम वेरी हैप्पी टू इवन से कि यू नो, जैसे भाई शेल्डन वगैरह है, आमोस तिवड़े है, मार्क त्रिभुवन है, मेरे बहुत ही प्यारे एंथनी भाई जो है, पास्टर जो है, उनका बेटा जोसेफ राज है, और एलन घंटा नाम के कोई भाई है, और शैली रेड्डी है, ऑल दीज गाइज आर डूइंग प्रिटी वेल, उनके गाने सुनना मुझे पसंद है, और बहुत बढ़िया बढ़िया गीत उन्होंने अभी लाए हैं। तो आई रेगुलरली, बिकॉज सुबह मैं घर पे अकेला होता हूँ, बच्चे बीवी काम पे जाते हैं, तो मैं इनके गाने बड़ा स्पीकर लगा के घर में सुनते रहता हूँ, उनके साथ आराधना करता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे एक दूसरे भाई है कामले, अमित कामले, आई लव हिज सॉन्ग, अब्राहम का प्रभु अभी जो गाते हैं वो बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस जी। सम आर ब्लेस्ड, सो ऐसा नहीं कि सब कुछ कचरा है, लेकिन कुछ लेटली मैं जो सुन रहा हूँ बहुत खुशी होती है सुनकर कि कुछ अच्छा कंटेंट लोग गाते हैं चर्च में, जिससे लोग ब्लेस होते हैं। जी जी पास्टर, आज के समय पे लाइक वी कैन सी कि लॉट ऑफ डिवोर्सेस आर टेकिंग प्लेस इन द चर्च, और मोस्ट ऑफ द टाइम आज ऐसा टाइम आ गया है कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो दे कांट सफर एंड दे जस्ट क्विट। तो ऑब्वियसली आप की मैरिड लाइफ में लाइक यू नो हाउ यू हैंडल डिसएग्रीमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, लाइक वी ऑल गो थ्रू दैट इन आर मैरिड लाइफ, बट हाउ डू यू हैंडल दैट, आप कैसे उसको हैंडल करते हैं? याकूब के पत्री में एक वचन है, झगड़े क्यों होते हैं,
क्योंकि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। जी। और इसका जो मूल वजह है वो प्राइड है, अरोगेंस है, और आप अपने आप को कुछ 30 मार खा समझते हो। हमारी शादी को आज 30 साल हो गए, और ऐसा नहीं कि हमारे बीच में अनबन नहीं हुई है, झगड़े नहीं हुए हैं, लेकिन वी ऑलवेज गॉन बैक टू गॉड। ब्रदर इवांस, मैं प्रभु के उपस्थिति में एक सच बोलना चाहता हूँ कि हमने कभी भी सूरज को ढलने नहीं दिया, कि हमने हमारा जो भी अनबन या जो भी मनमुटाव है, जो भी झगड़े हैं, जो भी उसको सुलझाया नहीं है। वी हैव नॉट गॉन टू बेड विदाउट विदाउट यू नो सेटिंग थिंग्स राइट, और ये हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट। मेरी बीवी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, प्लस शी इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वुमन, शी इज़ अ वुमन ऑफ गॉड, मुझसे ज़्यादा प्रभु से प्यार करती है, और वो मेरा मेरे को सामने खड़े रहने से डरती नहीं है। और एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे पता है मैं गलतियाँ करता हूँ, मैं गलत बोल जाता हूँ, कुछ गलत काम कर जाता हूँ, तो अगर वो मुझे कन्फ्रंट करती है तो मुझे हर्ट नहीं होता है कि अरे तू ऐसा क्या बोली, ऐसा कैसा कैसे बोल सकती है। नो आई मीन I'm wrong, that's it, fine। और ये मेरे लिए अच्छा कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो मुझे कन्फ्रंट करे। इवन बच्चे भी हैं मेरे कि डैडी आप ये गलत बोले या आपने ऐसा, इवन माय प्रीचिंग दे कम बैक होम एंड गिव मी फीडबैक, सो डैडी आप ये बोले ऐसा बोले क्या मतलब था, आप ऐसा क्यों बोले, ऐसा ये टोन यूज किया आपने, तो आई टेक फीडबैक एंड आई ट्राई टू प्रिपेयर एंड इम्प्रूव। और मैं मेरी बीवी बोलता है मुझे बता है कि मेरी बीवी मुझे बोलती है कि ये कोई नहीं बोलेगा, मुझे पता है किसी में हिम्मत नहीं तुझे आमने सामने खड़े रहने की और ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ बोलने की, तेरे माँ बाप में नहीं है, तेरे भाई बहनों में नहीं है, तेरे चर्च के लोगों में नहीं है कि जो मैं बात बोल रहा हूँ, तुझे जो बताएंगे वो तेरे बीवी और बच्चे बताएंगे, और ये तेरी भलाई के लिए ताकि तुम और बेहतर बनो और अच्छे बनो, गाने के विषय में, प्रचार के विषय में, अभ्यास के विषय में, हर चीज के विषय में। ये हमारा रहा है ब्रदर। और जहां तक डिवोर्स की बात आती है तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सेल्फिशनेस। मैं ना फिल्मों को दोष दूंगा ना आज की सोच को दोष दूंगा। इंसान मूल में फाउंडेशनली ही इज अ वेरी सेल्फिश ह्यूमन बींग, और अगर आप सामने वाले को के विषय में नहीं सोचते हैं तो आप बहुत सेल्फिश हो, एंड दैट्स व्हाट लीड्स टू डिवोर्स। और इसमें कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं दादा, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, लेकिन अगर इसमें मेरी भलाई है, मेरे बच्चों की भलाई है, तो मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। बहुत सिंपल बात है जी। प्रभु कन्फ्रंट करता है, कोई गलत सामने वाला दूसरा आके मुझे बोले, उससे पहले मेरे बीवी बच्चे मुझे सुधारे बताए तो वो बेहतर है मेरे लिए। सो जी, बहुत सिंपल बात है। और डिवोर्स इज अ वेरी वेरी इजी ऑप्शन, ये डरपोक दम नहीं होता है, जिसको परमेश्वर का कोई अंदाजा नहीं है, जो परमेश्वर में उसके वचनों में मजबूत नहीं है, जो उसके प्रेम में मजबूत नहीं है, वो लोग डिवोर्स के पीछे भागते हैं और डिवोर्स लेते हैं। बट इफ दे आर ट्रू टू गॉड, दे आर ट्रू टू देमसेल्व्स, दे आर ग्राउंडेड इन गॉड्स वर्ड, दे हैव अ फियर ऑफ गॉड, वो डिवोर्स कभी नहीं सोचेंगे। जी, आखिरी सवाल पास्टर आपसे यही है कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यंग वर्शिपर्स, जो अभी वर्शिपर्स जो आ रहे हैं, गाने लिख रहे हैं, आप क्या एडवाइस उन्हें देंगे कि वो भी एक मजबूत वचन बेस्ड बनाए? देयर इज नो गिफ्ट ऑफ अ वर्शिप फॉर वर्शिप लीडर। वरदान आप देखते हैं पवित्र आत्मा के वरदान, उसमें कोई वर्शिप लीडर का गिफ्ट नहीं है। हाँ, जी, दाऊद वर्शिपर था, सॉन्ग राइटर था, उनके जमाने में बहुत सारे वर्शिपर्स थे, सॉन्ग राइटर्स थे, जिन्होंने बढ़िया बढ़िया साम्स लिखे, जो हम साम्स में पढ़ते हैं, ये साफ है वगैरह। तो
सी अनलेस यू लव गॉड आप आराधना नहीं कर सकते थे, सच्ची आराधना नहीं हो सकती, सच्चे आराधक आप नहीं बन सकते। आई मीन यू कैन परफॉर्म, यू नो स्टेज पे जाके कोई भी कुछ भी कर सकता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अंदर क्या है, व्हाट इज स्टोर्ड इन योर हार्ट इन योर लाइफ, आपका प्रभु के साथ क्या रिश्ता है, कितना गहरा है, और ऑल दैट मैटर्स कि आप जो अंदर है वही बाहर रहेगा। यीशु ने बोला जो अंदर है वही बाहर रहेगा। सो जो नए वर्शिपर्स है you know, नाम शोहरत इन सारी चीजों के पीछे मत भागो। इतने मिलियन हिट्स हो गए, इतना वीडियोस हो गया, इतना लाइक्स आए, और इन्होंने देखा, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, मैं यहाँ जाके आया। मेरे पास जब मैंने मेरा फर्स्ट एल्बम रिलीज हुआ प्रभु तेरा प्यार 2000 में, 99-2000 में, तो हमारा जो चर्च था उसने स्पॉन्सर किया था, और मेरी एक ही प्रार्थना थी, प्रभु ये चर्च का पैसा है, चर्च के लोगों का पैसा है, कितने एल्बम बिकने दे कि वो जो पैसा इन्वेस्ट किया उतना उनको वापस मिले, बस इतना ही चाहता हूँ, बाकी और कुछ नहीं, मुझे मिले नहीं मिले उसे कोई। और मैंने कभी एल्बम बनाने के लिए कोई गाना लिखा ही नहीं है, और बस बन गया, प्रभु के लोगों ने चाहा, पसंद किया, और वो लोगों ने भी बोला, हमारे जो चर्च के अगुए थे, कि अच्छा है, लोग सुनेंगे, आशीष पाएंगे, हम लोग आशीष पा रहे तो लोग भी आशीष पाने चाहिए, तो बना। तो वो मेरी दुआ थी कि प्रभु लोगों का पैसा, चर्च का पैसा, तेरा पैसा, तेरा पैसा जो नुकसान नहीं जाए, बस उतना ही मेरी दुआ थी। और जब एल्बम रिलीज हुआ तो रातों रात हिट हो गया वो, जिन्होंने सुना मतलब ना हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वो एल्बम बिका है, और आज भी उतने ही लोग पसंद करते हैं। तो मेरे जो पास्टर थे उन दिनों में, उन्होंने मुझे उनके ऑफिस में बुलाया, बोला वीरन यू आर अ गुड मैन, यू आर अ हम्बल मैन, रिमेन हम्बल। अब से दो बातें मैं तुझे बताता हूँ कि सबसे पहले तो तुझे बहुत सारी तालियां मिलेंगी, तो जब गाएगा लोग सुनेंगे तो बहुत तुझे बहुत बढ़िया तालियां वगैरह मिलेंगे, तो वो तालियों को यहाँ मत जाने देना, दिमाग में जाने मत देना, दैट मीन्स डोंट प्राइड आने मत देना तुझमें, तो हम्बल है, नम्र है, नेचर है। और ही टोल्ड मी नाउ लर्न टू लिव आउट ऑफ सूट केसेस, मैं ये दो बातें कभी नहीं भूलूंगा, यानी लोग तुझे पसंद करेंगे तो लोग तुझे बुलाएंगे और तू ट्रैवल करेगा, विच वॉज अ वेरी प्रोफेटिक फॉर मी, तो मैं ट्रैवल करता हूँ। तो जो यंग बच्चे हैं इन दिनों में, जो यू नो अभी इसने लिखा उसने लिखा, बहुत सारे लिखते भी हैं, अनिल कांत भाई साहब ने मुझे एक बार बताया था, मैं मेरे बड़े भाई हैं और उनके गीत मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, उनके बहुत बढ़िया गीत लिखते हैं, बिब्लिकल बाइबल बेस्ड लिखते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो जब मसीह में नहीं थे, जब वो अलग अलग यू नो कॉन्सर्ट्स में वगैरह गाना गाते थे, फिल्मों के और गजल वगैरह गाते थे, तो उन्होंने कई मसीह लोगों के लिए बाइबल में से गीत लिखे के दिए, उनको लिख के दिए हैं, जब वो खुद ने नहीं गाए, किसी और को और के लिए लिखे उन्होंने, तो बड़ी बात नहीं है उसमें, सॉन्ग राइटिंग वगैरह इज नॉट अ बिग डील। सो यू नो हमारा बेस जो है वो मसीह में तगड़ा हो, उसके वचनों में हो, और फीलिंग्स के बारे में लिखने के अच्छा है आप वचन लिखो, वचन याद करो, और वचन के आधारित जो प्रभु देता है आपसे वो लिखने की गाने की कोशिश करें। जी अभी आपने जो बताया कि पास्टर अनिल कांत ने जैसे प्रभु में आने के पहले भी लिख के दिए हैं, सो वो एक सवाल था, बट आई स्किप्ड इट कि यू नो इट माइट ऑफेंड सम पीपल, लाइक यू नो दे हायर अनबिलीवर्स। यस
आज ब्रदर इवांस आज की तारीख में बहुत कम लोग हैं जो खुद लिखते खुद गाते, उनमें से मैं एक हूँ, अनिल कांत भाई एक है और सैमसन अड़सुले करके एक भाई है जो बहुत ही अभिषिक्त है, जिन्होंने कई जो आज वर्शिपर्स वर्शिप लीडर सॉन्ग राइटर जो भी बोलो सिंगर्स बोलो उनके लिए गीत लिखे हैं, तो मैं यहाँ खास उनका उल्लेख करना चाहूँगा कि भाई सैमसन सल्यूट मारता हूँ मैं आपको, मेरे बहुत करीब भाई हैं और हम बहुत रिश्ते में हम फिलहाल हम चार भाई रेगुलरली मिलते हैं, मैं हूँ, आमोस टिवड़े हैं, पास्टर आमोस टिवड़े हैं, पास्टर एंथनी है और पास्टर सैमसन अड़सुले, हम लोग रेगुलरली मिलके आराधना करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, अपने एक दूसरे के दुख सुख बताते हैं और या वी फेलोशिप टुगेदर बिकॉज वी बिलीव गॉड हैज कॉल्ड अस टुगेदर। तो हम चार हैं जो और एक अनिल भाई है जो अपने गीत लिखते हैं और अपने खुद गीत गाते हैं, बाकी बहुत से यहाँ से और लिखने वाले आजकल बहुत है भाई, मसीह लोग हैं जो लिखते हैं जिनके प्रोबेबली दे डोंट हैव द प्लेटफॉर्म और दे डोंट हैव द नॉलेज कि अब करना क्या है या किसी के पास पैसे नहीं होते तो वो दे देते हैं कि दादा मेरे पास भी कई लोग आते हैं कि हमने लिखा है आप गाएंगे क्या, तो भाई मैं जो लिखता हूँ प्रभु जो मुझे देता वही करता हूँ, बाकी उसके आगे कुछ नहीं, गाने वाले बहुत आप उनसे गवाओ। जी थैंक यू सो मच पास्टर, आपने अपना कीमती समय निकाला और आपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया एंड आई बिलीव कि ये पॉडकास्ट अनेकों के लिए एक आशीष का कारण होगा। थैंक यू ब्रदर इवांस, गॉड ब्लेस यू। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सभी जो मुझे सुनेंगे कि ये मत भूलना कि हम अंतिम के अंतिम दिनों में हैं और डोंट बी अंडर एनी काइंड ऑफ डिसेप्शन, किसी भी धोखे में मत रहना और खास करके खुद को धोखा मत देना और प्रभु के साथ जो अपना रिश्ता है वही हमारे साथ जाएगा रहे। बाकी आप कितने भी चर्च बनाओ, कितने भी आत्माओं को जीतो, तो आप कितने भी गाने लिखो, आप कितने भी चर्चेस में जाओ, शहरों में जाओ, देशों में जाओ, ये सब यही रह जाएगा आपके साथ, आपका जो प्रभु के साथ जो रिश्ता है। Matthew 7:21 यीशु कहता है प्रभु जी कहने वाले सारे मेरे परमेश्वर के राज में नहीं आएंगे, वही जो परमेश्वर की इच्छा करते हैं। तो यीशु आगे कहता है Verse 22 में कि उन दिनों में लोग बहुत सारे आएंगे और मुझे बोलेंगे हमने प्रचार किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, चर्चेस बनाए, ये किया वो किया, प्रभु बोलेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझसे दूर हो जाओ। तो ये जो हमारा प्रभु के साथ जो रिश्ता है उसको कभी कमजोर होने मत, चाहे दुनिया दूर हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, उसको ध्यान दो यार, कुछ भी करके स्पेंड टाइम विद गॉड, ओबीडियंस है, सबमिशन है, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए यीशु कहता कि उन दिनों में बहुत से लोग आएंगे, मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकाले, चर्चेस बनाए, प्रचार किया, भाई ओबीडियंस सबमिशन नहीं है, वो रिश्ता नहीं है तो फिर बाकी कुछ नहीं जाएगा अपना। सो ईमानदार रहो खुद के साथ में और प्रभु के साथ में, प्रभु के भय में चलो, जो सही है उसकी दृष्टि में वो करने की कोशिश करो, बाकी दुनिया का प्रेशर तो ही है, चर्च का प्रेशर है, बीवी बच्चों का प्रेशर है, काम धंधे का प्रेशर है, वो तो चलता रहेगा, यीशु ने बोला सब ये अंतिम दिन तक मैं जब तक आऊंगा ये प्रेशर रहेगा, लेकिन व्हाट मायने रखता है इज योर रिलेशनशिप विद गॉड, दैट्स व्हाट गोज अलोंग विद इट। जी थैंक यू सो मच पास्टर वंस अगेन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड thank you all for joining us. Also next week we will be back with another vessel whom God is using, so don't forget to subscribe, hit the bell icon, so whenever we share a podcast you will be notified, and do
go to Pastor Virendra's YouTube channel and also on social media, connect with him, and you will be blessed with his songs. May God bless you. May his face shine upon you. Stay blessed. Yeah, remember Pastor Virendra's ministry and church also, and family also. God bless you all. Thank you. God bless you all. Thank you. Yeah, thank you. Shalom.